हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से एक टॉपिक जिसका कि नाम है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन इन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। टॉपिक है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन फॉर अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसका देखेंगे कि सबसे पहले हमको मीडियन निकालना होगा, उसके बाद उस मीडियन के अबाउट हम मीन डिविएशन निकालेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, वो फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। ये फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। देखते हैं यहाँ पे एल एन बाई टू सी एफ और एच यहाँ किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। एल तो एल क्या डिनोट करेगा, एल डिनोट करेगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालना भी अभी सिखाएंगे कैसे मीडियन क्लास हम लोग निकालते हैं। जो एन है कैपिटल एन जो है, ये कैपिटल एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सी है, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा जो कि ऑलरेडी गिवन रहता है फ्रीक्वेंसी। और यानी कि एच इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, हम देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है कैलकुलेट द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले तो मीडियन निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके, मीडियन निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मीन डिविएशन को निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि क्लास इंटरवल का केस है तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी डाटा बनाना होगा, जो होगा क्लास का, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी का, तीसरा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद आएगा मिड पॉइंट, ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास देखिए, क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास में हमारे पास कितना है, 0 से 10। 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी है 6। 10 से 20, 10 से 20 है में फ्रीक्वेंसी है 7। और एंड 50 to 60 में है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2। तो सबसे पहले तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हम पहले भी बता चुके हैं कि फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिख देते हैं, इस टेबल में। उसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं सेकेंड वाले फ्रीक्वेंसी के साथ, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसको इसके वैल्यू को लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब इस वैल्यू को वापस से 15 से ऐड करेंगे, वापस से इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा 50। ठीक है, और हम जानते हैं कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताता है हमें। तो एन का वैल्यू हमको पता चल गया, ये 50 है, एन का वैल्यू पता चल गया, यानी कि एक वैल्यू तो यहाँ से हमको पता चल गया इस फॉर्मूला का एन।
एन का वैल्यू पता चल गया, और एल जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है, तो हम देखेंगे कि मीडियन क्लास निकालना सीखेंगे। तो मीडियन क्लास निकालते हैं कैसे, मीडियन प्लस अगर टोटल नंबर हमको 50 मिल गया, हम जानते हैं कि टोटल नंबर में से जो बीच वाला वैल्यू होगा वही मीडियन कहलाएगा। तो वो बीच वाला वैल्यू किस क्लास इंटरवल पर रिप्रेजेंट करेगा, उसी क्लास को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। तो हम लोग बीच वाले वैल्यू को कैसे निकालते हैं, बीच वाले वैल्यू को ऐसे निकाल सिखाए थे पिछले क्लास में, देख लीजिए। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास 50 है, तो हमको बीच का वैल्यू चाहिए। तो बीच का वैल्यू को हटाने के लिए हम 25 25 दोनों साइड से हटा दें, तो हमारे पास कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि टोटल वैल्यू तो 50 ही है। तो इसीलिए 25 25 नहीं हटा के 24 हटाते हैं, 24 आगे से 24 पीछे से, तो दो वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगे। कौन सा वैल्यू, 25th वैल्यू और 26th पोजिशन पे जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास बच जाएंगे। और इन दोनों का फिर हम लोग मीडियन इस तरीके से निकाल देते हैं, मीडियन निकालते थे। तो यहाँ मीडियन इस तरीके से निकालना नहीं है, हम बस ये पता करना है कि 25th और 26th जो होगा वो किस क्लास पे लाई कर रहा है। तो 25th और 26th जैसे कि कॉम्युलेटिव पोजीशन बताता है, तो 13 पोजीशन तक तो हम ऐसे ही पहुंच गए। 13 के बाद हम देख रहे हैं कि 28th पोजीशन तक हमको इसी इंटरवल क्लास इंटरवल पे चलना है, यानी कि 25th और 26th जो होगा वो मेरा इस क्लास इंटरवल पे लाई करेगा। दैट मीन्स कि अब जो हमको मीडियन वैल्यू मिलना है वो वैल्यू इस क्लास इंटरवल पे होगा, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल होगा ये क्लास होगा, ये मीडियन क्लास कहलाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हमको मीडियन क्लास मिल गया, मीडियन क्लास का वैल्यू हो गया क्या, 20 से 30। अब इसी 20 से 30 का जो लोअर लिमिट होगा वो एल कहलाएगा। दैट मीन्स एल का वैल्यू हमको मिल गया 20, एल इज इक्वल टू भी मिल गया 20, ठीक है। एन इज इक्वल टू 50 मिल गया, एल भी क्लियर हो गया, एल क्लियर हो गया। अब हमको चाहिए यहाँ पर सी, सी मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ध्यान देंगे कि जो भी हम लोग मीडियन क्लास लिए हैं उस मीडियन क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को नहीं लेके उसके प्रिसीडिंग क्लास के कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे लेते हैं फॉर्मूला में उसका यूज़ करने के लिए, यानी सी का वैल्यू हम लेंगे 13। ये सब चीज़ पहले भी 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आइए एफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो हम मीडियन क्लास का ही लेंगे यानी कि 15, तो एफ का वैल्यू भी हमको मिल गया 15। और एच, एच का वैल्यू क्या होता है, एच होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 है, तो इसका वैल्यू भी मिल गया 10। तो अब देखेंगे सारे वैल्यूज़ को पुट करके मीडियन का एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा है। मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन निकालेंगे बोलेंगे एल, एल का वैल्यू आया था 20 प्लस एन बाई टू, एन का वैल्यू आया था 50/2 माइनस सी, सी का वैल्यू आया था 13 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू था 15 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच का वैल्यू था 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा, 25 माइनस 13 बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ पे इसको वैल्यू को सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 12 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 3 4 जो 12, और ये हो जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा 20 प्लस 8, इट इज इक्वल टू 28। तो हमको मीडियन वैल्यू मिल गया 20, ये हमारा मीडियन वैल्यू मिल गया, यानी कैपिटल एम मिल गया, कैपिटल एम मिल गया 28। अब 28 मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब इस मीडियन पॉइंट्स को भर देते हैं क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल का जो मीडियन पॉइंट होगा वो इसमें भर देते हैं। ये होगा 5, ये हो गया 15, ये होगा 20 मीडियन वैल्यू। और एक्स आई क्या है, एक्स आई अब यहाँ मिड पॉइंट जितना है, ये मिड पॉइंट जो निकाला है ये एक्स आई में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं गिवन है, हमको क्लास इंटरवल के रूप में गिवन है, तो हम एक्चुअल वैल्यू को उसके मिड पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं और एक्स आई की जगह पे इस मिड पॉइंट वाले वैल्यूज को यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे यूज़ करके दिखाते हैं, ये एक्स आई जो आएगा मॉड पे आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेंगे, नेगेटिव वाले वैल्यूज को भी पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। एम का वैल्यू तो हमको पहले से पता है 28, और 5 को 28 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 23,
और चूंकि मॉड में लेना है तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं। 15 को 28 से करेंगे तो हम लेंगे 13, 25 को 28 से लेंगे तो हम करेंगे 3, और 55 और 28 के बीच जो डिफरेंस निकलेगा वो 27। अब इतना हो जाने के बाद हम एक और टेबल बनाएंगे और इस टेबल में एफ को एक्स आई माइनस एफ को फ्रीक्वेंसी एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई माइनस एम से, यानी कि जितने भी फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज है इसको मल्टीप्लाइड करेंगे इससे, यानी कि 6 × 23। तो 6 × 23 इज 27 × 2 इज 54। ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज का समेशन निकालेंगे तो इसका जो सम टोटल आएगा सारे वैल्यूज का सम निकालेंगे तो ये सम निकालने पर 100, 200, 260, 40, 300, 390, 90 और 10 इसमें से ले लेते हैं 400, 400 यहाँ पे 40 है, 40 और इधर 30, 70 हो गया, 70 हो गया, 470 हो गया 70, उसके बाद इधर 8 दो 10, 10 8 एक 9 एक 10, 10 10 20 70 80 90, 90 490 प्लस 18, 490 प्लस 18 कितना हो गया 508, ये टोटल हो गया 508, 508। अब इसको इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे और मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मीडियन तो हमारा यहाँ निकल गया था, अब यहाँ से हम मीन डेविएशन भी देख लेते हैं। तो मीन डेविएशन का जो फार्मूला होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू जो आएगा ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ हमको पता है इसका जो समेशन आया था ये आया था 508, और नीचे जो एफ आई का समेशन है वो 50 है। तो 500/508/50 दैट मीन्स इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 8, 8 × 16, 0 × 1, 0 × 10, 106, और यहाँ पे 100 हो जाएगा यानी 10.16। तो ये आपका वैल्यू आ गया 10.16 इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन एंड दिस इज द आंसर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सबा खैर।